आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक डायलॉग बन गया आजकल मेरा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किसके बारे में है। जी बिल्कुल, आज की जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट अवेटेड है। वो इस तरह क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हमजा का ना अकीका करूँ। जब हमजा पैदा हुआ तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, और जब मैंने लास्ट ईयर उसकी मैंने बर्थडे की सेलिब्रेशन की तो उस पर इतना खर्चा हुआ, तो मुझे बाद में मेरे माइंड में आया कि यार जब मैंने इतना ही लगाना था तो इससे बेहतर था कि मैं उसका टीका कर लेती। क्योंकि आज 12 अक्टूबर है और जिस दिन आप लोग ये ब्लॉग देखेंगे 13 अक्टूबर को हमजा का होता है बर्थडे, ठीक है। 13 अक्टूबर वाले दिन हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करेंगे ये सारा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन 12 अक्टूबर को मैं कर रही हूँ हमजा का अकीका, क्योंकि हमजा का अकीका बर्थडे करना जो है वो एक ही दिन बिल्कुल मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसीलिए अकीका जो है वो एक दिन पहले कर रही हूँ मैं, ताकि मैं आसानी के साथ जो गोश्त है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, आप पहले हम सबसे पहले जाएंगे हम जाके बकरे देखेंगे, क्योंकि बकरे हमने एक दिन पहले ही ले लिए थे। रात को मेरे हस्बैंड जाके ले आए थे और शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे हमें बकरे मिल गए थे। अच्छा, अब हम जाएंगे बकरे देखेंगे, हमजा उन पे हाथ फेरेगा और फिर कसाईयों के हम सपोर्ट कर देंगे, फिर हम जो जो करेंगे इंशाल्लाह। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं पूरा ब्लॉग जहां तक मैं शेयर कर सकी मैं आपके साथ। हमजा ने गले भी मिलना है? हाँ जी, हमजा ने गले मिलना है, हमजा ने ऊपर बैठ जाना है, जफ्फी डालनी है। अच्छा, अगर जफ्फी ना डाले तो मेरा टीका नहीं होता। और जैसे ही हम बकरों के पास पहुंचे तो बकरे जो हैं वो एकदम से उछल पड़े, जिससे हमजा डर गया। अच्छा, फिर इसे थोड़ी देर लगी रिलैक्स होने में, अल्लाह ताला कबूल करे माशाल्लाह से। माशाल्लाह बकरे जो हैं वो बहुत अच्छे हमें मिल गए थे, बहुत ही अच्छे, काफ़ी इनका वेट था, काफ़ी रीजनेबल भी मिल गए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहरहाल फिर हमजा को थोड़ा सा समझाया कि अब आप जाएँ और हाथ फेरने। अच्छा जी, अब हम घर आ गए हैं। हमजा जो है ना वो बकरे को देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर बड़ी मुश्किल से फिर मैंने कैमरा बंद किया और इसको बड़ी मुश्किल से मैंने भेजा इसके बाबा के साथ, और इसे जाके हाथ फेरा और अल्लाह ताला बस बाकी कबूल करे। बस अभी जी बकरे जो हैं वो नीचे ज़िबा हो रहे हैं, ठीक है, और आप ऊपर आएँगे तो हम यहीं पर बस मैं जगह बना रही हूँ ताकि कसाई जब आएँ तो उनको फिर आसानी हो यहाँ पे कटिंग करने में, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा काम बन जाना है। तो चलें, आप जैसे ही ऊपर आते हैं गोश्त क्या करते हैं वो इतनी देर में मैं तैयारी कर लूँ। और जब कसाईयों ने कटिंग शुरू की तो हमजा बस पास आके खड़ा हो गया, उनसे पूछता रहा कि अंकल ये बकरे का कौन सा पार्ट है, ये क्या है, ये क्या है। फिर कभी उनको पानी ला के देता था, कभी चाय ला के देता था, इतनी इसने बातें की ना कि वो बेचारे थक ही गए इसको जवाब दे दे के। अच्छा जी, अल्लाह की ज़ात से भूल करें, ठीक है, दोनों बकरों का जो गोश्त है वो आ गया, ठीक है। मैं पीढ़ी शीढ़ी रख के बैठ गई हूँ कि आप इनके मैं पहले तीन हिस्से करूँगी और फिर इंशाल्लाह बस अभी बॉक्सेस आने वाले हैं जिनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबके घर भिजवाऊँगी, अम्मी की तरफ, ससुराल, फ्रेंड्स, जो यहाँ पर कह लें आप जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी तरफ भी भिजवाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी हिस्सा बनता है। अच्छा, ये एक बकरे का है और ये दूसरे बकरे का है। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला कबूल करें। अब बस मैं इनके ना हिस्से बनाऊँगी। और तकरीबन जी 40 घर थे जिनके घर गोश्त भिजवाना था, जिसमें रिलेटिव्स भी थे, नेबर्स थे और साथ में आप कह लें कि डिजर्विंग भी थे, ठीक है। ये मैंने सारे उनकी पार्टीशन कर दी पैकेट्स बनाने के लिए, इतनी देर में डब्बे आ गए। अच्छा, ये जो शॉपिंग बैग के अंदर मैं पैक कर रही हूँ, ये ज़ाहिर थोड़े से दूर जाने थे गाँव, तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो लेके निकल गए और यहाँ पर भी मैंने हेल्पर के साथ सारे बॉक्सेस फिल करके रखवा दिए कि जब वो आएंगे तो बाकी हम सरगोधा के अंदर सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह पाक कबूल करें, शुक्र है अल्लाह का, थक तो मैं बहुत गई हूँ, ठीक है, लेकिन गोश्त जो है ना वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी तक हमने इतना किया है कि जो मोहल्ले में देना था और जो गांव भिजवाना था ना मैंने अपने ससुराल में, वो हमजा और उनके बाबा जो हैं वो लेकर गए हुए हैं। अभी वो आएंगे, फिर मैं सिस्टर्स के घर देने जाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह वो मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में जो मेरा हमारा जो हिस्सा बचा था ना उसका हमने बना के रखी गोश्त, वो आके आप देख लें कि ये हमारा टोटल। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह की ज़ात कबूल करें। मैंने बांटने के लिए सारा जो है वो सारा अरेंज किया था और अब ये हमने अपने हिस्से का जो है नमकीन गोश्त बना रही हूँ और साथ में ये सैलेड वगैरह बना दिया, पता चला लाइट्स और फ्रेश अच्छा लगता है सैलेड। इतनी देर में हमजा और उसके बाबा आ गए और उनको मैंने सैलेड और नमकीन गोश्त उनके हिस्से का दे दिया, क्योंकि मलाइका रूशा ने और मैंने तो खा लिया था। ये जी हमजा जो है ये थक हार के ना बेली अपने नीचे करवा में डर जाना। अच्छा जी, फिर हम फाखराबाजी के घर चले गए। उधर मैं गई तो उन्होंने बारबेक्यू और चाय वगैरह सर्व की, साथ में फ्रूट सैलेड था। मैं उन्हें कह रही थी मुझे खाने दें, क्लिप बाद में बनाइएगा, तो वो कहती नहीं मैं पहले क्लिप बना लूँ तुम बाद में खा लेना। और फिर बहरहाल भाई के साथ और बाजी के साथ बैठे रहे, उनकी तबीयत पूछी, उनसे बातें शातें की, बहुत सी गपशप लगाई, उन्होंने गाड़ी की
और साथ में हमजा के कीके की बहुत मुबारक दी और सब बहुत खुश थे, बच्चे भी आके सब मिले, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर पता ना जब बहनें बैठ जाएं तो फिर तो बातें बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और मैं उनको यही बता रही थी कि अभी हमने काफ़ी घरों में जाना है तो आप इस तरह देर हो जाएगी, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ मैं भी जब बाजी के पास बैठी हूँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं उठूँ उनके पास से। अच्छा जी, खैर फिर बहुत मुश्किल से उनसे इजाज़त ली और फिर हम नासराफी के घर चले गए, उधर भी जाके बैठी, उनको भी गोश्त दिया, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब बस दुआएं दे रहे थे हमजा के लिए और सब ने बहुत मुबारक दी। बहुत अच्छा लगता है जब आपके वाकई जो सच्चे रिश्तेदार होते हैं वो आपके साथ इतना प्यार करते हैं और ऐसे इतने अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना जो है ना वो किसी नेमत से काम नहीं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब रात के तकरीबन 11 बज गए, ठीक है, आप टाइम देख लें, सब फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, कजन्स को, जिधर जिधर गोश्त देना था मोहल्ले में सबको आप दे के अब जी मैं फ्री हुई हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ये कबूल करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमजा के लिए इतनी दुआएं की, इतना हमजा को प्यार दिया। अच्छा, अभी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि आपने इतना लेट हमजा का अकीका किया है, तो बस कुछ आप कह लें कि कुछ भी रीजंस होती हैं ऐसी कि मैं उसका हमजा का टाइम के ऊपर नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे अल्लाह ने इस काबिल बनाया है तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले ना ये जो है ये काम कर रही, ठीक है, अल्लाह ताला बार कबूल मंजूर फरमाया। अच्छा जी, अब आपने ब्लॉग्स को बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि आगे हमजा का बर्थडे होगा, गिफ्ट्स वगैरह देंगे, बहुत एक्साइटेड जो है ना वो ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। ना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।